हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी, वी मेक प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो माय नेम इज़ रवि और आज जो हम हैं ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम EMRS में जो GA वाला पोर्शन है उसकी बात करेंगे, उसमें कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड, और उसके साथ ही जो हमारा EPFO का सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और जो स्टेनोग्राफर का जो पेपर है उससे रिलेटेड जो MCQs हैं GA पोर्शन के, हम उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पेपर बेसिकली जो MCQs बनाए गए हैं, जो NTA का भी पेपर हुआ है इस ईयर में, तो उनको मद्देनजर रखते हुए बनाए गए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। सो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी है। ऐसे ही स्टेटमेंट NTA के LDC के एग्जाम्स में आए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, देन उन्होंने जो पैटर्न है उसको CSE का भी फॉलो किया है, और साथ ही उन्होंने स्टेटमेंट पे अलग अलग ऑप्शंस बनाए, तो ट्रिक करने की कोशिश की है। बट जब आप स्टेटमेंट को, अभी मैंने MCQs भी लगाए, जब उनको पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट टाइप उसमें है नहीं, बस वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है, पहला ऑप्शन जो ये योजना है ये लॉन्च की गई थी अप्रैल 2005 में, और नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को इसने मॉडिफाई किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही जब आप दूसरा देखते हो स्टेटमेंट, तो जो जननी सुरक्षा योजना है इसमें 75% का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड किया जाता है स्कीम को, मतलब 75% जो है वो सेंट्रल पैसा देती है, 25% जो रेस्ट अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। तो कहीं पे भी आप ऐसा रेशियो ज़्यादातर केसेस में आइडियली नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, तो थोड़ा सा गेस करके भी आप इसको यहाँ पर इनकरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 75 का रेशियो ज़्यादातर केसेस पे आप देखने को नहीं मिलता है। 60-40 होता है, 50-50 होता है, 90-10 होता है, लेकिन ऐसा रेयर है, अगर होता भी है तो ये रेयर है, यहाँ पर बेसिकली ये नहीं लगेगा। तीसरा आप देखोगे तो ये बड़ा नॉर्मल सा स्टेटमेंट है जो कि सही है, और चौथा भी ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना से संबंधित जो स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ इनकरेक्ट हो जाता है। ये जो है ये 75% ना होकर 100%, कितना 100% सेंट्रली क्या है, स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हाई कोर्ट पे क्वेश्चन पूछा है, ऐसा ही क्वेश्चन NTA ने जो LDC का पेपर है अभी हुआ है जून में, उसमें भी पूछा था। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, इंडिया में पहली बार जो हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया था 1862 में आया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद द फर्स्ट हाई कोर्ट वॉज द इलाहाबाद हाई कोर्ट, लगता है भाई सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे तो इंडिया के कौन से पार्ट में आए थे, तो आप देखोगे बंगाल वाले पार्ट में आए थे। ठीक है, और इलाहाबाद यहाँ पर कहीं पर है, तो यहाँ पर सबसे पहला हाई कोर्ट क्यों बनेगा, अगर बनना होगा तो यहाँ पर बनना चाहिए, या फिर मद्रास वाले रीजन में बनना चाहिए, या फिर महाराष्ट्र वाले रीजन में बनना चाहिए, यहाँ पर क्यों बनेगा। तो अगर आपने हिस्ट्री की थोड़ी सी भी बेसिक समझ को डेवलप कर रखा है तो ये स्टेटमेंट वहां से गलत हो जाता है, वेदर आपने पढ़ा हो और ना पढ़ा हो। ये फर्स्ट ना होकर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा जो था वो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में होगा। अभी के समय में 25 हाई कोर्ट्स हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह से ऑप्शन ना देकर इसमें ये भी पूछ सकता था कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, तो आपको फिर दे देता एनी वन स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट, थ्री स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर फिलहाल दूसरा हमारा कट गया है, तो दूसरा यहाँ पर है, हटा दीजिए, और कहीं नहीं है, यहाँ पे है, हटा दीजिए। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव भी सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट। ठीक है, अभी आप ये देखिए, NTA ने जो पूछा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में क्वेश्चन आया है पॉलिटी से, तो ये इन्होंने क्या किया, ये लक्ष्मीकांत जो है हमारी, लक्ष्मीकांत में जो फंक्शंस दिए हैं, पावर दी गई है, वहां से सीधे उठा के रख दिया गया है। NHRC के बारे में कब आया था, तो सबसे पहले कब आया था, 1993 में, और अभी जो UN की जो NHRC है, जो अलग अलग देशों के, सॉरी UN की जो HRC है, ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसने क्या किया है, जो हमारे देश की NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, इसकी मान्यता यानी कि जो इसका सर्टिफिकेट होता है उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अप्रूवल को इसके रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, ग्लोबली क्यों रिजेक्ट कर दिया है, वो उनके कुछ कंसर्न है, इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। फिलहाल अभी न्यूज़ में भी था, इस वजह से क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर जो देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है टू इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ, हाँ तो वायलेशन अगर ह्यूमन राइट का हो रहा है तो ये क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद खुद से, मतलब या तो विक्टिम करेगा तो इंक्वायरी करेगा, खुद से भी सुमोटो, जिसे कहते हैं सुमोटो एक्शन भी ले लेता है। टू प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, बिल्कुल करेगा। या तीनों के तीनों स्टेटमेंट आप देखोगे जाकर, तो M. लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली
मिल जाएंगे। चौथा जो है टू प्रोसिक्यूट बेस्ड ऑन द इंक्वायरी ऑफ द कमीशन, ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये केस बनाता है और सीधे फिर जाकर हाई कोर्ट में जाके फाइल कर देता है, ठीक है। चौथा देख ले, यहाँ पर बेसिकली कुछ चीजें मैंने लिख दी हैं, ये पूछा जा सकता है इस वजह से। चेयरमैन ऑफ 22 जो हमारा 22nd लॉ कमीशन है उसके कौन है, ऋतुराज अवस्थी है, ठीक है, ऋतु राज अवस्थी है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर चेयरमैन ऑफ NHRC हम कहते हैं तो चेयरमैन ऑफ NHRC कौन है, UPSC की कौन है, AK यानी कि अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। चेयरमैन ऑफ UPSC की बात करते हो तो मनोज सोनी जी हैं, ठीक है। उसके बाद कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, तो ये कौन है, राजीव कुमार, राजीव कुमार। उसके बाद AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये आर वेंकट रमानी है, ठीक है, इनकी स्पेलिंग भाई मिस्टेक हो सकती है, रमानी। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, तो वो है एनके सिंह, ठीक है। ये तो बहुत बार पूछा भी जा चुका है, याद भी हो गया होगा आपको अब तक। 15th जो 15th नंबर के हमारे CGI हैं वो कौन है भाई, धनंजय वाई यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है, चंद्रचूड़। 49th CGI कौन थे, तो यू ललित, यू उदय उमेश ललित, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वुमेन जज इन हाई कोर्ट अगर आप बात करते हो कौन है, तो फर्स्ट वुमेन जज, वुमेन जज जो हाई कोर्ट की कौन थी, फातिमा बीबी, ठीक है, याद रखना है भाई ये, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की जो फर्स्ट वुमेन जज थी वो कौन थी, फातिमा बीबी जी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ नाम लिखवा दिया ऐसे करके, अगर और भी कुछ जो न्यूज में रहे आप कर लीजिएगा, बीपीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद NTA ने क्वेश्चन पूछा था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर, ठीक है, अभी ये योजना कब आई थी, 2018 में आई थी, तो यहाँ पर 17 लिखा है, उसके बाद रिकमेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ये तो 2017 में तो थी नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ऐसे करके ना इन्होंने डराने की कोशिश की है फ्रेमिंग की वजह से, ठीक है। अभी आप जब ऑप्शन को पढ़ोगे तो ऑप्शन आप देखना मतलब जो ऑप्शन इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी कितनी कॉन्ट्राडिक्ट दे रखी, इन दोनों को जरा आप गौर से पढ़िए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। एक में कह रहा है कि 5 लाख रुपए का जो है कवर मिलता है, एक में कह रहा है 2 लाख का कवर मिलता है, बाकी पूरी स्टेटमेंट क्या कर दी है, सेम कर दी है, और दोनों एक साथ किसी भी कीमत पे हो नहीं सकते हैं, तो बी और सी तो एक साथ होगा ही नहीं, तो ऑप्शन थ्री तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना। अभी आप 33% पे आ गए हो, मतलब आपका 33% चांसेस हो सकता है क्वेश्चन सही हो जाए। अभी जब पहला वाला आप देखते हो 2017 में नहीं है, 18 में है, तो ये भी गलत हो गया है ना, तो ए हटा दो, और ए हटाते ही आपका आंसर सीधे आपको मिल जाएगा, ठीक है, बी एंड डी, क्योंकि ये टर्सरी सेकेंडरी और टर्सरी केयर को देता है, ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन का जो वो है केयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब है वो होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ग्रैंड स्लैम, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम अभी तक किस, अब जो है वो किसके पास है, इससे पहले किसी और के पास था, अभी रिसेंटली क्या है, नोवाक जोकोविच जो है, ठीक है, सर्बिया के। याद रखिएगा आजकल क्वेश्चन ये भी पूछने लगा है कि जो जैसे कि अभी ये हमारा कौन सा हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन मेल कैटेगरी में कौन जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन कैटेगरी मेल कैटेगरी में कौन जीते, नोवाक जोकोविच जो है वो जीत गए हैं। और तो जब वो जीते तो वो पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आ जाएगा आंसर क्या, सर्बिया के, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, सर्बिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी फ्रेंच ओपन हुआ था, फ्रेंच ओपन में भी यही जीते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों इन्हीं ने जीता है। फ्रेंच ओपन जो हुआ है उसमें जो लास्ट टाइम की फीमेल जो विनर थी वो कौन थी, ईगा स्वेतेक, ये कहाँ की है, पोलैंड की है, ठीक है। तो अगर फीमेल की बात करते हैं, मेल भी कौन यही जीते हैं, नोवाक जोकोविच, फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो ईगा स्वेतेक, ठीक है, ईगा स्वेतेक वो जीती हैं, और ये कहाँ की थी, तो ये है पोलैंड की, ठीक है, पोलैंड की है ये जीती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी नोवाक जोकोविच ही जीते थे मेल कैटेगरी में, लेकिन वहां पर फीमेल कैटेगरी में कौन जीता था, तो फीमेल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीती थी अरियंका, अरियाना था शायद, अरियाना सेबा लंका, ठीक है, तो अरियाना सेबलंका जीती थी,
कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कब होता है? जनवरी के लास्ट में होता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न, अगले प्रश्न पर भाई। अभी जो अगला है वो हमारा लेक टिटिकाका है। पूछा गया है कि ये सबसे हाईएस्ट, एक पॉइंट ये याद रख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट नेविगेबल जो लेक है, मतलब सबसे ऊंचाई पर जिसमें नौका नाव वगैरह चलाई जा सकती है, तो वो कौन है? तो लेक टिटिकाका है। अब ये कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है, कौन सी कंट्री के बीच में? तो याद रखिएगा पेरू एंड बुलीविया, ठीक है? ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो ये मतलब कौन सी रेंजेस है यहाँ पर, जो साउथ अफ्रीका का जब कॉन्टिनेंट देखते हो, साउथ अफ्रीका का बेसिकली ऐसे करके अगर कॉन्टिनेंट देखते हो, तो यहाँ पर आती है कौन सी? हमारी एंडीज आती है ना, है ना, एंडीज। तो एंडीज में यहाँ पर क्या पड़ता है? एंडीज में यहाँ पर पड़ता है अकांकागुआ। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे अकांका, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि अकांकागुआ कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ठीक है? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं भाई। हु हैज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? सबसे मतलब इजी क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबसे पहली जो वुमन प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट है, वो कौन था? तो विजय लक्ष्मी पंडित जी जो थी, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं। माउंट किलिमंजारो जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? किलिमंजारो है। जैसे कि सदर्न जो साउथ हमारा अमेरिका है उसका कौन था? अकांकागुआ था। इसका कौन है? किलिमंजारो है। कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? जैसे उसका मैंने पूछ लिया कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसी तरह से यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है हमारी अफ्रीका की, माउंट किलिमंजारो, एक क्वेश्चन तो यही हो गया डायरेक्ट। तो ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया, ठीक है? तंजानिया। कंट्रीज की ना थोड़ी सी वो भी याद रखनी होती है, कैपिटल, जैसे केनिया की क्या है? नैरोबी, युगांडा, रवांडा, तंजानिया, इन सबकी आपको याद कर लेनी चाहिए। अभी आप ये है, ये भी एनटीए का क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का बेसिकली थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि इतना डेप्थ में एसएससी और जो इसकी तैयारी कर रहा होता है ग्रुप डी की, वो नहीं पढ़ता है। क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो बोला गया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो होता है इलेक्शन का, उसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? ठीक है, तो ये फिलहाल तो करेक्ट है वैसे स्टेटमेंट, अभी यहाँ पर डिटेल में इतना बता पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो सकते हैं, जबकि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही इंसान आएगा। दूसरी बात, इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स मेजोरिटी ऑफ वोट्स। तो कह रहा है कि जो जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, कैंडिडेट जो जीतता है वो क्या करता है, सबसे ज्यादा वोट उसको मिलते हैं, मेजोरिटी ऑफ वोट। थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं, इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। ये बिल्कुल ठीक है कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स इन यूके इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो पहला जो दूसरा है, कैंडिडेट वो विंस द इलेक्शन गेट्स मेजोरिटी ऑफ वोट्स, हाँ, तो ये यहाँ पर चारों के चारों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ पर चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की जगह लिखा होता फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, तो वहां पर मेजोरिटी ऑफ वोट से कोई लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, वहां पर मेजोरिटी ऑफ वोट से कोई लेना देना नहीं होता है। मान लीजिए कि 100 लोग वोट दे रहे थे, ठीक है, और चार कैंडिडेट थे, ठीक है, ए बी सी एंड डी, और ये फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है, ठीक है, एफ पी टी पी वाला सिस्टम है। तो यहां पर अगर इसको मिले 35, ठीक है, इसको मिले 20, ठीक है, इसको मिले 25, ठीक है, और इसको मिल गए 20। अभी आप जब देखोगे तो यहां पर क्या इसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिले हैं? मेजोरिटी ऑफ वोट्स का मतलब कि अब 100 में मेजोरिटी क्या बनेगी? 51, ठीक है, 100 में क्या मेजोरिटी होगी? 51। भाई आधे से ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर इससे मतलब नहीं होता है, इसको 35 मिले हैं, और यही क्या हो जाएगा, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में विनर हो जाएगा, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा मिल गया वो जीत जाएगा। मेजोरिटी से वहां कोई लेना देना नहीं होता है, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मेजोरिटी से लेना देना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, एक सेकेंड। अभी ये क्वेश्चन है एल नीनो पर, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है।
ये भी उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसका पहला स्टेटमेंट, आपने सिर्फ इतना भी पढ़ा हुआ है एटलस में कि जो पेरुवियन और हम्बोल्ट की करंट होती है ये वार्म नहीं होती है, करंट होती है कोल्ड। ये कैसी होती है? कोल्ड होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ए कट जाएगा, और जैसे ही ए काट तो ये गया, ये गया, ठीक है। बी सी और मतलब ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर ही बच रहा है। ऑप्शन थ्री में क्या लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट बी है वो क्या कहता है, द वर्ड एलिनो मीन्स चाइल्ड क्राइस्ट बिकॉज द करंट अपियर्स अराउंड क्रिसमस इन दिसंबर। अब अगर ऑप्शन को आप गौर से देखोगे दोनों में बी दे रखा है, यानी बी को आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। सी पे आते हैं, इट ब्रिंग्स ड्रॉट फ्लड्स, ठीक है, एंड अदर वेदर एक्सट्रीम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हाँ, कहीं पर सूखा पड़ सकता है तो कहीं पर बाढ़ भी आ सकती है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ पर मान लीजिए ये है पेरू, यहाँ आपका जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पर अकर होती है हमारी जो है ये करंट, ठीक है। ये करंट यहाँ पर आ रही है, और ये करंट कैसी है, कोल्ड करंट है, ठीक है, कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट के साथ एक खासियत होती है, जहां पर भी कोल्ड करंट होगा वहां पर लो टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, वहां पर लो टेम्परेचर हो जाता है एंड हाई प्रेशर बिल्ड होता है। कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। अभी इधर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा लैंड मास, बहुत बड़ा ओशियन बॉडी है जिसको हम पैसिफिक ओशियन कह रहे हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, हमेशा एयर का फ्लो होना शुरू हो जाता है, मतलब जो एयर सर्कुलेशन है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, तो जहां पर भी हाई टेम्परेचर होता है वहां लो प्रेशर जनरेट होता है, तो हवा यहाँ से इधर की तरफ चलने लगेगी। इधर है ठंडा मौसम, तो ठंडा हवा इधर से चलेगी और इधर से बीच में से मॉइस्चर वॉइस्चर लेते हुए ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर बारिश करेगी और फिर आगे बढ़ जाएगी, और फिर ऐसे ही पूरे वर्ल्ड पे उसके अलग अलग जो है आपको प्रभाव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की, इसमें से बोला गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए कीवर्ड पे ध्यान रखिएगा पेपर को सॉल्व करते समय, तो जब आप ओनली ओनली देखते हो तो उसको वहीं काट दो, वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। मीन फॉर द वॉर विडोज ओनली, ये भी नहीं है, उसके बाद ये भी नहीं है, तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर एक लाइन में खत्म हो जाएगा कि ये सभी लोगों के लिए जिनकी एज 60 से ज्यादा हो चुकी है, ओल्ड एज पेंशन वगैरह, ताकि उनको मिल सके, आराम से रह सके और मार्केट की जो अनसर्टेनिटीज हैं उनसे उनको सेफ रखा जा सके, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अभी फिर से मानसून पर एक क्वेश्चन आया, ये एक ही पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मानसून पर आए हुए हैं, सोचिए। मानसून में पूछा गया मानसून इन इंडिया, तो दीज आर स्टडी विंड्स एंड डू नॉट गेट इफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमोस्फेरिक कंडीशन। ऐसा होता है क्या कि मतलब स्टडी विंड्स होती है और किसी भी उससे इफेक्ट ना हो, मतलब कोई भी अलग जो एटमोस्फेरिक कंडीशन है, मानसून जो है वो पूरा एटमोस्फेयर पर डिपेंड करता है, और अगर वहां पर थोड़े से भी चेंजेस होते हैं तो मानसून पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑप्शन ए सीधे सीधे कटेगा और ऑप्शन ए को काटती है, आपका आंसर सीधे मिल गया, मतलब आप बाकी नहीं भी पढ़ोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, विड्रॉल और रिट्रीट जो होता है अक्टूबर के, सितंबर लास्ट और अक्टूबर के पास से हवाएं जो होती है, मानसून जो होता है वापस लौटना शुरू करता है, ठीक है। तो वो कैसा चेंजेस, वो मतलब कैसा प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी ईएमआरएस का, और जो आपका पेपर अभी होने वाला है, अभी एसएसए तो बिल्कुल ही 20 डेज ही सिर्फ बचे हुए हैं, 19 डेज अप्रॉक्स, तो उसकी तो लास्ट आप तैयारी कर ही रहोगे, ठीक है। उसके अलावा जो एक ईएमआरएस का भी वो आया हुआ है, नोटिफिकेशन आया है, अभी भी लास्ट डेट है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं। जिन्होंने भी एसएसए का भर रखा है डेफिनेटली वो भी जेएसए के लिए जो इसका जेएसए का फॉर्म है इसको आप भर सकते हो, तो आप इसको कर लीजिए, बहुत ही अच्छा फॉर्म है जिसमें मतलब सैलरी भी पे स्केल भी काफ़ी अच्छा हुआ है, अच्छा है। इसके लिए अगर आपको डिटेल से कुछ जानना है तो हमारा एक फ्री वर्कशॉप जो है थर्सडे को 27 जुलाई को 7 PM पर आने वाला है, जिसमें करण सर और विक्रम सर पूरी चीजें जेएसए अकाउंटेंट के बारे में, हॉस्टल वार्डन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो प्लीज इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो प्लीज डू ज्वाइन दिस वर्कशॉप, एंड हमारा जो लास्ट टाइम का, आपको अगर ईपीएफओ में अभी भी लग रहा है कि कुछ मुझे पढ़ लेना चाहिए, कुछ ऐसे नोट्स है जो मुझे ध्यान दे लेने चाहिए, तो हमारा 45% का लास्ट में अभी डिस्काउंट हम लोगों ने दिया हुआ है, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज मिल सके, तो आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 45% डिस्काउंट बहुत बढ़िया है, तो ये कुछ था। अभी एंड करते अपने सेशन को, अगर वीडियो आपको पसंद आई, क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज कमेंट में लिखिए आप जो भी लिखना चाहते हैं, कोई डाउट है आपको जो मतलब किसी भी पार्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन पर, तो वो भी आप लिख सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। सो थैंक यू।